आपका क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई फर्स्ट इज 3, सेकेंड इज 5 एंड थर्ड इज 6। तो फर्स्ट वी विल राइट द एपी, छोटा सा एक एपी लिखते हैं। तो एपी देखो आपका क्या आएगा, इधर आपका आएगा 3, 6, 9 एंड सो ऑन। और यहां पर आपका आ जाएगा एपी इज इक्वल टू 5, 10, 15, सो ऑन। और लास्ट वाले में आपका एपी क्या आ जाएगा, देखो 6, 12, 18, सो ऑन, है ना। नाउ अब इसके अंदर देखो आपका क्या क्या है, आपका ए इज 3, बी इज ऑल्सो 3, है ना, और एन कितना दे रखा है इसने 40, ठीक है। नाउ इसके अंदर लिखते हैं, तो ए इज 5, बी इज 5 और एन इज 40, ठीक है। नाउ लास्ट वाले में देखो क्या है आपका, ए इज इक्वल टू 6, डी इज इक्वल टू 6, एन इज इक्वल टू 40, ठीक है। नाउ अब हम सम का फॉर्मूला लिखते हैं एस 40 का। तो एस 40 इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। नाउ तो देखो इसमें क्या है, एन इज 40, तो 40 बाई 2 इज 20, है ना, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 20। और यहां पर है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 इज 39, तो इसको भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 39, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तीनों की 1 बाई 1, तो देखो क्या आ रहा है आपका, एस 40 इज इक्वल टू 20 इंटू 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 3 इज 6, प्लस 39 इंटू d इज 3, तो आपका आ गया 20 इंटू 6 प्लस 3, के साथ मल्टीप्लाई करो 39 को, तो आपका आ गया 7, 27, 11, तो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 123, दैट इज इक्वल टू 246 एंड वन मोर जीरो, 2460 इज योर आंसर, ठीक है। ना अब फाइव के हिसाब से करते हैं, देखो क्या आता है आपका, एस 40 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इंटू 5 इज 10 प्लस 39 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 प्लस 39 इंटू 5, करो 9 5 45 4 कैरी 9 3 15 प्लस 4 इज 19, तो ये आपका आ गया 20 इंटू 205, दैट इज इक्वल टू 4100 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला हम करते हैं, सेम चीज आपका देखो, एस 40 इज इक्वल टू 20 और यहां पर है आपका 2a, तो 2 इंटू 6 इज 12 प्लस 39 इंटू 6, तो आपका आ गया 20 और ब्रैकेट में है 12 प्लस 6 9 54 5 कैरी 18 प्लस 3 इज 23, तो आपका आ गया 20 इंटू दोनों को ऐड करो, यू विल गेट आपका कितना आ जाएगा, 6 4 एंड 2 246, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा आ गया 0 2 6 12 1 कैरी 8 1 9 एंड 4 4920,
तो इस तरह से आप इजिली तीनों को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है।